कोबरा पोस्ट का बड़ा खुलासा, तीन बड़े प्राइवेट बैंक कर रहे हैं गोरख धंधा, निवेश के जरिए ब्लैक मनी को बनाया जा रहा है सफेद। मोहाली टेस्ट का पहला दिन बारिश से धुलने का खतरा, 9:30 बजे शुरू होना था मुकाबला, मैदान पहुंची टीम को लौटना पड़ा होटल। और अर्जेंटीना के जॉर्ज मारियो बने नए पोप, सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं निकलते ही वैटिकन में जश्न शुरू, नए पोप को फ्रांसिस वन के नाम से जाना जाएगा। दिन के 1 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे और ये खबर एक तरफ जहां आपको थोड़ी राहत देगी वहीं दूसरी तरफ आपकी मुश्किलें भी बढ़ाने जा रही है। पेट्रोल सस्ता हो सकता है, 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल को सस्ता किया जा सकता है, लेकिन डीजल की कीमतें महंगी होंगी, 40 से 50 पैसे डीजल महंगा हो सकता है। 16 मार्च से लागू हो सकती है ये नई कीमतें, पेट्रोल सस्ता होगा डीजल महंगा होगा, ये निर्णय आपको कहीं खुशी तो कहीं गम देने जैसा ही है। और इसके पीछे आखिर वजह क्या है, सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, सुरेश मनचंदा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुरेश, पेट्रोल पर राहत दी जा रही है तो डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वजह क्या है इसके पीछे, ये राहत दी गई है या फिर मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश है? देखिए चित्रा, सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि डीजल पर कंपनियां हर महीने 45 से 50 पैसे की बढ़ोतरी कर सकती हैं प्रति लीटर पर, और उनके पास ये छूट है। और कंपनीज के पास इस समय पर जो बर्डन है वो करीब करीब 8 रुपए प्रति लीटर का बर्डन है, और उस बर्डन को कम करने की कंपनियां कोशिश कर रही हैं, इसी वजह से डीजल की कीमतों के अंदर 50 पैसे की बढ़ोतरी संभव है। दूसरी रही पेट्रोल की कीमतों के अंदर क्यों कमी की जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कच्चे तेल की कीमतों के अंदर हमने लगातार गिरावट देखी है, $90 के आसपास कारोबार हो रहा है, और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर जो इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो वित्त मंत्री साहब ने कहा भी है चिदम्बरम साहब ने कि जो रिटेल महंगाई है वो वाकई में ही एक चिंता का कारण है, और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें कहीं ना कहीं उसको इंजेक्ट कर रही हैं, तो उस पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के असर को महंगाई पर से कम करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार पेट्रोल की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि आम आदमी को थोड़ी पेट्रोल पर राहत मिल पाए, क्योंकि इस वक्त महंगाई को लेकर के आम जनता के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो कहीं सरकार ये जानती है कि चुनाव के समय पर दिखाई ना दे। पेट्रोल तो सस्ता होगा लेकिन हम सभी जानते हैं डीजल के महंगा होने का असर सिर्फ उन चीजों पर या उन गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके बाद हम देखेंगे सब्जियां महंगी हो जाएंगी, जो भी ट्रक से सामान लाद कर ले जाते हैं एक से दूसरे जगह उनकी भी कीमतें बढ़ सकती हैं। एक और बात याद आती है, 1 फरवरी 2013 को पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने जो बयान दिया था ये कहते हुए कि सरकार ने तय किया है जब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा पूरा नहीं हो जाता डीजल की कीमतें हर महीने बढ़ाई जाएंगी। जरा बताइए, जिस वक्त वो बयान दिया गया था उस समय तो 10 से 11 रुपए का घाटा प्रति लीटर पर डीजल की कीमतों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था कंपनियों को, वो घाटा कम कितना हुआ है सुरेश? देखिए चित्रा, इस समय पर करीब करीब 1.5 रुपए की ऑलरेडी कंपनीज जो है वो बढ़ोतरी कर चुकी हैं। जब ये बयान आया था मोइली साहब का, तो उसके बाद से अगर मैं देखूं तो जनवरी के अंदर 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी डीजल में, और फरवरी के अंदर 1 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि जो 10 रुपए का घाटा तेल कंपनियों के ऊपर उस समय पर था वो घट करके 8.5 रुपए का रह गया है, और ये जो बढ़ोतरी होगी ये घाटे को और कम करेगी। और कंपनीज, क्योंकि हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि सरकार ऑलरेडी डीजल को और पेट्रोल को डीकंट्रोल कर चुकी है, और सरकार ने जो फॉर्मूला तैयार किया है कि 10 महीने के अंदर 10 रुपए तक की डीजल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर महीने केवल 50 पैसे ही बढ़ोतरी की जाए, 1 रुपया 1.5 रुपए की भी बढ़ोतरी कभी भी हो सकती है, यानी कि 1-2 महीने ठहर करके सरकार हो सकता है कि 1 से 1.5 रुपए की भी प्रति लीटर पर डीजल में बढ़ोतरी कर दे, क्योंकि सरकार ने जो एजेंडा तय किया हुआ है कि 10 महीने के अंदर 10 रुपए की बढ़ोतरी करनी है, उस एजेंडे पर सरकार कायम है, और बढ़ता हुआ जो डेफिसिट है उसको कम करने की सरकार की कोशिश है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इसका सीधा सीधा असर जो है आम आदमी की जेब के ऊपर जाएगा, ना सिर्फ खाने पीने की चीजें बढ़ेंगी, रेलवे का किराया बढ़ेगा क्योंकि अब उस पर फ्यूल सरचार्ज लग रहा है, और इसके और सवाल बड़ा ये भी उठता है कि सरकार और कंपनियों के घाटे की कीमत जो आम जनता है वो वहन क्यों करे। तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर शायद आगे आने वाले वक्त में जवाब मिल जाए। बहरहाल शुक्रिया।